हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द सेशन अगेन। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द नर्वस सिस्टम। वी हैव डिस्कस्ड एंड आई हैव प्रॉमिस्ड दैट आई विल बी ब्रिंगिंग अप द क्लासेस फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एज आई विल बी आल्सो गिविंग माय एग्जामिनेशंस फॉर फर्स्ट ईयर। सो आई हैव डिसाइडेड दैट द थिंग्स आर स्टडिंग ऑल दीज चैप्टर्स फ्रॉम सच अ ह्यूज बुक्स लाइक रॉस एंड विल्सन, इट विल गेट सो डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये समझने में कि कौन से सेक्शन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दें, किस चीज़ को कैसे समझे, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड बट वाई नॉट शेयर द नॉलेज दैट आई एम गेनिंग वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग एंड वाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन। सो आज हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। अगर हम नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि नर्वस सिस्टम आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी की जो भी सारी नर्व्स हैं, जो भी सारी ब्लड वेसल्स हैं, ये सभी चीज़ें या ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी का हर एक पार्ट हर चीज़ को सेंस करके कुछ इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है और हमारा ब्रेन उन इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट या उसको अंडरस्टैंड करके कुछ रिफ्लेक्स या रिएक्शंस शो करता है। तो ऐसे ही हम लोग कुछ कंडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एक जगह के सेंसेस दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे न्यूरॉन्स जो कि मेन हमारा नर्वस सिस्टम का मेन यूनिट है, कैसे न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। वी विल बी अंडरस्टैंडिंग एंड वी विल बी नोइंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। सो आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट द लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द नर्वस सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो यू विल बी टेकिंग एटलीस्ट 20 to 25 minutes जस्ट फॉर रीडिंग अ पैराग्राफ और दिस मस्ट सेक्शन। सो हेयर सबसे पहले देखते हैं कि नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो मेनली हमारे पास नर्वस सिस्टम के लिए चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। फर्स्ट जो है, इट विल डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, विच मीन्स कि नर्वस सिस्टम जो है डिटेक्ट करेगा जो भी चेंजेस हमारे एनवायरमेंट में या हमारी बॉडी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे स्क्रीन को टच किया एंड स्क्रीन वाइट हुई या स्क्रीन जूम आउट हुई, विच मीन्स कि यहाँ पे जो भी चीज मैंने सेंसेस प्रोवाइड किए उसके अकॉर्डिंग मेरे फोन ने रिएक्ट किया। लाइकवाइज, जैसे ही कोई चीज मेरे हाथ में, अगर मैं कोई भी गर्म या कोई भी ठंडी या कोई भी चीज या मेरा हाथ ही टच करती हूँ तो वो चीज का सिग्नल जाता है मेरी बॉडी से ब्रेन तक, और उसके बाद जो भी थॉट्स मेरे अंदर आते हैं, जैसे कि अगर मुझे पढ़ाने के लिए हाथों को मूव करना चाहिए, तो ये सारे सिग्नल्स ब्रेन से जाके लौट के आते हैं वापस से मेरे सेंस ऑर्गन्स में। सो दैट्स हाउ द नर्वस सिस्टम विल डिटेक्ट, चीजों को डिटेक्ट करेगा, सेंस करेगा एंड रिस्पॉन्ड करेगा जो भी चेंजेस अकॉर्डिंगली। उसके बाद सेकेंड फंक्शन आता है कि विथ एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम विल कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी फंक्शंस, विच मीन्स कि एंडोक्राइन सिस्टम जो कि एक हार्मोन रिलीजिंग सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए एसेंशियल होंगे। तो विथ एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी के सारे वाइटल एस्पेक्ट्स को, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, सेंस करना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट, इन सभी चीजों को मेंटेन करना, ऑल दीज थिंग्स विल बी कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम इन एसोसिएशन विथ एंडोक्राइन एंड द होल बॉडी। ओके, सो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द थर्ड थिंग, दैट इज इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। जैसा कि हमने बात किया कि अभी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जब होम्योस्टेसिस मीन्स हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करेगी, अगर ठंड है तो बॉडी को हीट की नेसेसिटी होगी ताकि हम हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस टाइमली एंड एज एक्सपेक्टेड वर्क कर सके। अगर गर्मी होगी इन द एनवायरनमेंट देन वी विल बी स्वेटिंग इट आउट ताकि बॉडी को कूलनेस या फिर बॉडी को थोड़ा सा ठंडक मिल सके। After that, the fourth is that it will provide immediate response because of the structural organization, which means कि यहाँ पे हर एक हमारी body के complete हर एक जगह पे बहुत सारी vessels, बहुत सारी nerves present है, and because of this structural organization, ये चीज enable करती है हमारे nervous system को for the rapid communication
एज वेल एज टू प्रोवाइड द इमीडिएट रिस्पॉन्स. मतलब कि बिकॉज ऑफ इतने सारे प्रेजेंट होने, इतने सारे न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम्स, नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट होने की वजह से हमारी बॉडी जो है एक रेपिड कम्युनिकेशन, मतलब जल्दी से चीजों को कंडक्ट करने वाला एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है. तो ये सभी फंक्शंस थे नर्वस सिस्टम के. अगर हम लोगों को क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द नर्वस सिस्टम, व्हाट आर द फंक्शंस इट परफॉर्म, तो अगर ये चीजें हम लोग लिखेंगे तो वी विल बी गेटिंग मोर मार्क्स, और वी विल बी गेटिंग एक्यूरेट मार्क्स इफ वी आर पॉइंटिंग इट आउट अगेन, है ना. उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाट इज नर्वस सिस्टम, हाउ इट इज डिवाइडेड. सो हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम मेनली दो टाइप में डिवाइडेड होता है. इसको हम लोग So as we can see here that nervous system is mainly divided into two types, that is the CNS. Just one minute, let me make this. That is the CNS and the PNS. Okay, CNS stands for central nervous system. Central हमारे body या इस word से ही पता चल रहा है. Central मतलब कि ये important aspect वाली चीज है. तो हमारे body का brain प्लस स्पाइनल कॉर्ड विल बी बी और एस जो लिखा है दैट इज फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. नर्वस सिस्टम को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट विल कंसिस्ट और दैट विल कैरी द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स की नर्व्स को अगर हम लोग हटा दें तो सारी बॉडी में जो भी अदर नर्व्स बचती हैं दे विल बी कमिंग अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस. ओके, अब ये जो सीएनएस जो है ये तो था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हमने दो टाइप के फाइबर्स, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फाइबर्स हमने इस चीज को डिवाइड किया है. द टाइप ऑफ फाइबर्स विल बी लाइक जस्ट वन मिनट. सो बाय द टाइप ऑफ फाइबर्स व्हाट आई मेंट इज कि जैसे एफरेंट और ईफरेंट, जब हम लोगों ने रीनल सिस्टम या फिर जब हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा, हम लोगों ने नेफ्रॉन पढ़ा, उस टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे कुछ टाइप की जो वेसल्स हैं या कुछ टाइप की जो आर्टरीज है ना, वो कुछ वो हमारे ब्लड को न्यूरॉन तक लेके आ रही थी या फिर ग्लोमेरुलस तक लेके आ रही थी, और कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो फिल्टर को लेके वापस जा रही थी. तो जो चीजें लेके आती है किसी भी जगह तक वो चीज क्या कहला रही थी, हमारी एफरेंट. और जो चीज एंडिंग में, जो चीज वहां से गुजर के वापस जा रही थी, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, एफरेंट. तो जब भी कोई एक सिग्नल हमारी बॉडी में आया लाइक आई हैव टच्ड दिस, तो ये सिग्नल जो फाइबर्स हमारी बॉडी के जो नर्व्स इस सिग्नल को लेके जाएंगे टू द ब्रेन, दे विल बी कंसिडर्ड एज एफरेंट. डिड यू गेट माई पॉइंट? वट आई एम मेंट टू से इज कि एफरेंट वाले वो पोर्शंस या वो फाइबर्स होंगे जो हमारे सिग्नल्स को या जो भी चीजें हमने सेंस की है वो उस पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग से लेके हमारे ब्रेन तक प्रोवाइड या पहुंचाने वाले हैं. तो दे विल बी कंसिडर्ड एज एफरेंट. एफरेंट फाइबर्स को ही हम लोग सोमैटिक फाइबर्स भी बोलते हैं. वी विल बी कंटिन्यूइंग एंड वी विल बी स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स. इसके बाद आते हैं एफरेंट. तो आप कैसे याद रखेंगे कि एफरेंट वाला वापस लेके, एफरेंट वाला ब्रेन से वापस लेके आ रहा है या फिर एफरेंट वाला जो रीनल सिस्टम में था वो एंड में लेके जा रहा था? तो E फॉर एफरेंट एंड E फॉर एंड. तो इसका मतलब आप लोग याद रखेंगे कि कोई भी अगर सेंस स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होके लेके गया ब्रेन तक, फिर ब्रेन से रिफ्लेक्स आया, वो वापस लेके आया हमारे सेंस तक. विच मीन्स कि लास्ट में जो चीज हुई, एंड पोर्शन विल बी एंडेड बाय द स्टार्टिंग वर्ड दैट इज E. तो E फॉर एंड, E फॉर एफरेंट, विच मीन्स कि जो E वाला फाइबर है वो लेके वापस जाएगा किसी भी सेंस को या किसी भी रिफ्लेक्स को. आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. आप मूव करते हैं टूवर्ड द सेकेंड पेज, बट बिफोर दैट लेट मी सी वेदर देयर आर समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट इज मिस्ड आउट. नो, वी हैव कम्प्लीटेड ऑल दीज थिंग्स. तो जैसा कि मैंने बोला था, ओके, इट्स नॉट सोमैटिक, इट्स सेंसरी. तो जो एफरेंट वाले जो नर्व्स होंगे वो सेंस करेंगे और वो कैरी करेंगे इम्पल्स हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन तक. और जो इम्पल्सेस कैरी करेंगे या जो फाइबर्स इम्पल्सेस कैरी करेंगे हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक, दे विल बी कंसिडर्ड एज मोटर. जो एफरेंट होंगे दे विल बी ऑल्सो नोन एज सेंसरी. तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एफरेंट या सेंसरी फाइबर्स जो हैं बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाएंगे, एंड जो एफरेंट वाले हैं वो पहुंचाएंगे हमारी ब्रेन टू बॉडी.
अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया इनटू टू पार्ट्स, जो कि था CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि आया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद आया PNS जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आए हमारे और डिविजन्स। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व्स प्रेजेंट होंगी अदर देन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हमने पेरिफेरल को दो टाइप में अकॉर्डिंग टू देयर फाइबर्स डिवाइड किया है। वो फाइबर्स क्या होंगे, एफरेंट एंड ईफरेंट। एफरेंट वाला वो जो बॉडी से सारे सेंसेस लेके ब्रेन तक जाएगा, ईफरेंट फॉर एंड, मतलब कि जो सारे रिफ्लेक्सेस को एंड करेगा और एंड रिजल्ट हमको देगा कि हम लोग कुछ भी चीजें, ये कुछ भी रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट कर रहे हैं या इनिशिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि एफरेंट फाइबर्स को हम लोग सेंसरी फाइबर्स भी बोलते हैं, ईफरेंट फाइबर को हम लोग मोटर फाइबर्स भी बोलते हैं। मोटर फाइबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोटर जो है, मतलब कि जो भी चीज हमने ब्रेन में प्रोसेस की, वो चीज को हम बाय एक्शन, बाय मोटर एक्शन या बाय मसल एक्शन, हम लोग वो चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं या वो चीज को कैरी आउट कर रहे हैं। प्लस सेंसरी फाइबर्स क्यों बोला है, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग सेंस करके ब्रेन तक ले जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज सेंसरी फाइबर्स। तो जैसा अभी मैंने गलती की, वो सेम टू सेम वहां पे कट भी लगा हुआ है, सो आई गॉट लिटिल कंफ्यूज अबाउट दिस सोमैटिक और सेंसरी। तो हम लोग याद रखेंगे कि जब हम सेंसेस से सारी चीजों को लेके, मैसेज को लेके ब्रेन तक पहुंचाएंगे, तो दैट विल बी द वर्क ऑफ सेंसरी या एफरेंट फाइबर्स। और जब हमारी ब्रेन से कोई भी चीज आएगी और हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे या मोटर एक्शन करेंगे, दे विल बी कमिंग अंडर द मोटर फाइबर्स। तो ये आएगा बॉडी टू ब्रेन। अब उसके बाद में हमारे जो मोटर फाइबर्स हैं, वो भी अगेन दो सब डिवीजन में डिवाइडेड है। इन सब डिवीजन्स को हम लोग बोलेंगे सोमैटिक एज वेल एज ऑटोनॉमिक। सोमैटिक जैसा कि नाम बता रहा है हमारा, और अगर नहीं भी बता रहा है तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, व्हाट आई हैव रिमेम्बर्ड एंड हाउ आई हैव रिमेम्बर्ड दिस इज सोमैटिक मीन्स वॉलंटरी। तो एस फॉर साक्षी, वी फॉर वर्मा, विच मीन्स दैट एस और वी साथ में रहने वाले हैं। तो सोमैटिक जो है वो हो गए हैं वॉलेंट्री। अब अदर देन जो चीज बची है, दे विल बी ऑटोनॉमिक एंड इनवॉलेंट्री। ऑटोनॉमिक से हम लोग ये भी समझते हैं, ऑटोनॉमिक मतलब कि ऑटोमेटिक चलने वाली चीजें, विच मीन्स कि वो चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, कंटिन्यूस चलती हैं, लाइक वी आर ब्रीथिंग, लाइक वी कैन कंट्रोल द ब्रीथिंग रेट बट वी कैन नॉट कंट्रोल द हार्ट बीट। तो हार्ट बीट विल बी कंसिडर्ड एज द इनवॉलेंट्री एक्शन एंड दैट विल बी कमिंग अंडर द PNS इन द मोटर फाइबर एंड इन पर्टिकुलरली मेनली द ऑटोनॉमिक रीजन या ऑटोनॉमिक डिविजन ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स या मोटर फाइबर्स। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अबाउट द नेक्स्ट थिंग। नो इट इज नॉट गिवन हियर। सो अब जो हमारा ऑटोनॉमिक जो है, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू सम ग्रुप, विच इज कि अब ऑटोनॉमिक जो है वो डिवाइडेड होता है इन टू sympathetic and parasympathetic. It is not mentioned here. Let me write it down. That is known as sympathetic and parasympathetic. तो ये जो दो डिवीजन है हमारे, सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक। सिंपथेटिक एज इट्स नेम इज सजेस्टिंग कि, और अगर नहीं भी सजेस्ट कर रहा है, तो सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है तो यू माइट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, सिंपथेटिक मतलब वो चीजें जो एकदम से, जस्ट वन मिनट, सिंपथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स में दो अगेन सब डिवीजन किया है। सिंपथेटिक मतलब क्या होगा, वो टाइप का ऑर्गन्स या उस टाइम पे हमारे वो सेंसेस जो कि इनवॉलेंट्री रहेंगे, लेकिन कभी कभी अलग अलग चीजें होती। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी अगर हमको किसी चीज का, हमारे एग्जाम का डर हो रहा होता है, या फिर कभी हमें किसी चीज को शादी के लिए, कहीं फंक्शन में जाने के लिए, ऐसे ऐसे करके किसी भी जगह जाने के लिए, ऐसी किसी भी चीज की एक्साइटमेंट होती है, तो उस टाइम पे हम लोगों को भूख प्यास सब कुछ लगना बंद हो जाती है। तो व्हाट डज इट मीन कि जब हमारे पास में सडन, सिंपथेटिक से याद रखो सडन, ओके,
जब सडन चीज आएगी, अब वो सडन जो है फाइट भी हो सकती है, फ्लाइट भी हो सकती है एंड फ्राइट भी हो सकती है। मतलब कि वो सारी चीजें जो एकदम से जो चीजों को हिला के रख देती है, मतलब कि हमारे कन जो भी हमारा नॉर्मल रूटीन है उन सबसे थोड़ा सा हटके जो चीजें हो जाती है, दैट विल बी कमिंग अंडर द सिंपथेटिक, विच मीन्स कि जब भी ऐसी कोई चीज हो रही होगी जो हमारे अनएक्सपेक्टेड थी, उस टाइम पे हम लोगों की भूख प्यास बंद हो जाएगी, हमारा जो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आएंगी सिंपथेटिक फाइबर्स में या सिंपथेटिक सिस्टम में। उसके बाद जो पैरासिंपथेटिक है ये सिस्टम वो तब आएगा जब हम अपने एक कॉमन रेस्ट की पोजीशन में रहते हैं। तो जैसे पी बनाया हमने, पी को ही अगर हम एक कर दें तो ये हो जाएगा आर। रेस्ट से आप लोग याद रखेंगे कि जब नॉर्मली जैसी चीजें होती आ रही हैं वैसी ही रहेंगी, उस टाइम पे जो चीजें वर्क करने वाली होंगी या उस टाइम पे जो रिएक्शन हो रहा होगा हमारी बॉडी के टाइम, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पैरासिंपथेटिक। इसको हम लोग जानते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट इसके नेम से भी। ओके, सो दिस इज द थिंग। अगर आप लोगों को ऐसी टेंशन है कि हम लोग सब कुछ नोट कर लेते हैं या हाउ वी आर गोइंग टू गेट द PDF, सो आई विल बी प्रोवाइडिंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे जाके आप लोग टेलीग्राम सेशंस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी अ टेलीग्राम चैनल, लेकिन वट आई एम प्लानिंग इज कि BSc नर्सिंग में जो एंटर हो चुके हैं, BSc नर्सिंग के लिए एक अलग टेलीग्राम चैनल हो, और जो BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए, मतलब दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, वी विल बी मूविंग और लेट देम बी सेपरेटेड। सो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू मेड अ न्यू टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, फर्स्ट कमेंट में भी आई विल बी ट्राइंग टू पिन इट आउट, एंड देन यू कैन ज्वाइन द सेशंस। ओके, अब ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं, अब बात करते हैं कुछ अलग चीजों की। हम लोगों ने देखा कि जो नर्वस सिस्टम के सेल्स और टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में दो टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप की सेल्स भी बोल सकते हैं या दो टाइप के सेल टिश्यूज भी बोल सकते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं या दो टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा एक होता है हमारा न्यूरॉन, दूसरी होती है हमारी न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल्स। जैसा कि हम लोगों ने मोस्टली सारी सेल्स में देखा है, जहां पे भी दो टाइप की, जैसे बी या टी सेल्स या फिर स्पर्मेटोसाइट्स और लेडिक सेल्स, वो सेल्स जहां पे मोस्टली दो चीजें प्रेजेंट होती है, उनमें से कोई एक एफिशिएंट वर्क कर रहा होता है, साइड वाला उसको सपोर्ट कर रहा होता है। लाइक वाइज यहाँ पे भी जो न्यूरॉन्स हैं वो हैं हमारी नर्व सेल्स, जो कि कंडक्ट करने वाली हैं सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या मैसेजेस को। न्यूरोग्लिया वो जो कि एक सपोर्टिंग एंड कनेक्टिव टिश्यू होगा। न्यूरोग्लिया एज इट नेम इज सजेस्टिंग, ग्लिया मीन्स ग्लियल सेल से बना हुआ जो मटेरियल होगा, ग्लिया सेल से बना जो हमारा नर्वस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होगा, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हमारे न्यूरॉन्स को, दैट विल बी नोन और दैट विल बी कंसिडर्ड एज न्यूरोग्लिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूरॉन्स और इनकी प्रोसेसेस को। तो मेनली हम लोग जानते हैं एक न्यूरोन कैसे दिखता है, लेट मी ड्रॉ इट। हम लोग जानते हैं एक न्यूरोन जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम टीचिंग। यहाँ पे लास्ट में फिर से ही डिवाइड होगा, जहां पे साइनेप्टिक नॉब्स इसमें प्रेजेंट होंगे लाइक दिस। ओके, ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म। अगर इसी को और कर लें तो ये हो गई हमारी डेंड्राइट अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी डेंड्राइट्स, ये हो गया है हमारा एग्जॉन, और ये बीच वाला चीज हो गई है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट है, ये हो गया है हमारा सेल बॉडी। तो न्यूरॉन की, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो द पोर्शन, जस्ट वन मिनट, सो दिस पोर्शन दैट इज दिस इज द सेल बॉडी, दिस इट इज नॉट विजिबल, जस्ट वन, नो एंड this portion, this is the cell processes, okay?
तो डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स को जो कि साइड साइड में प्रेजेंट है हम लोग सेल प्रोसेस बोलेंगे, मतलब ये सेल बॉडी से फॉर्म हुई अलग अलग चीजें न्यूरॉन की, जो सेंट्रल पोर्शन है इसको हम लोग सेल बॉडी बोलेंगे। तो आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। न्यूरॉन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सेल बॉडी, इसकी प्रोसेसेस जो है वी विल बी कंसिडरिंग द एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स एज इट्स प्रोसेसेस। अब जब हमारे एक्सॉन्स जो है बहुत सारे एक्सॉन्स साथ में कलेक्ट करके एक बंडल फॉर्म करते हैं, इस बंडल को वी विल बी कॉलिंग नर्व्स। ओके, सो दिस इज द थिंग। उसके बाद हम लोग न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स बोलते हैं, और वो न्यूरॉन्स के जब बंडल्स हो जाएंगे तो वी विल बी कॉलिंग देम एज नर्व्स, क्योंकि नर्व सेल्स ही मिलकर नर्व फॉर्म करेंगी। लाइकवाइज अब उसके बाद मूव करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि न्यूरॉन की जो मेन सेल बॉडी है, ये जो सेंट्रल पोर्शन है दैट विल बी कंसिडर्ड एंड दैट वी विल बी कॉलिंग इट एज सेल बॉडी। उसके साइड के जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जो कि एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स हैं सेल बॉडी के ही, उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सॉन या डेंड्राइट्स। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि न्यूरॉन्स को हम लोग नर्व सेल्स भी बोलते हैं, और जब न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिलकर एक बंडल फॉर्म करेंगे तो इसको हम लोग नर्व बोल रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये क्या डिफरेंस है अदर सेल्स में और न्यूरॉन्स में। तो सबसे पहले जैसे सेल्स जो है, हम लोगों ने सेल साइकिल पढ़ी है, कैसे मियोसिस माइटोसिस करके सेल्स डिवाइड होती है, नई सेल्स फॉर्म करती है, नए ऑर्गन्स फॉर्म करती है। इज इट गेटिंग फास्ट? अगर ऐसा कुछ भी हो तो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर सकते हैं। अगर आप इस सेशन को एक बार और देख चुके हैं और वापस रिविजन के लिए यूज कर रहे हैं, देन यू कैन कम्प्लीट और यू कैन चेंज द स्पीड टू 1.25, 1.5 और 1.75 एज वेल एज टू अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और रेफरेंस। ओके, अब हम लोग देख रहे थे कि न्यूरॉन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज दैट इट कैन नॉट डिवाइड। लाइक जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, जैसा कि सेल साइकिल में देखा कि न्यूरॉन्स जो है वो बाकी के अदर सेल्स डिवाइड कर सकती हैं, मल्टीप्लाई करके सेल्स जो हैं और टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज जो हैं ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द केस ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है डिवाइड नहीं हो सकते। न्यूरॉन्स को एनर्जी के इनटेक के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की नेसेसिटी होती है, और इन्हें कंटिन्यूस O2 सप्लाई इज मस्ट। तो न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड, दे विल बी नीडिंग द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। थर्डली, उनको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सिंथेसाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की नेसेसिटी होती है, मतलब ग्लूकोज के अलावा किसी और मॉलिक्यूल से वो एनर्जी को सिंथेसाइज नहीं कर पाते। तो विच मीन्स न्यूरॉन्स जनरेट एनर्जी, तो न्यूरॉन्स फॉर सिंथेसाइजिंग एनर्जी दे विल बी ओनली डिपेंडेंट ऑन द ग्लूकोज। उसके बाद न्यूरॉन्स जो है जनरेट भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है कुछ डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स करवाती हैं चैनल्स के, आयंस के अक्रॉस द चैनल्स, एंड वी विल बी कॉलिंग इट एज ऑल दीज इम्पल्स एज एक्शन पोटेंशियल। तो जब भी हम एक्शन पोटेंशियल की बात करें, विच मीन्स कि कोई भी चीज हमारी बॉडी ने सेंस की है, बॉडी में सेंस होने की वजह से या कोई भी सिग्नल या कोई भी इम्पल्स आने की वजह से बॉडी की सेल मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस आएंगे, आयंस के चेंजेस आएंगे, एंड इसी सभी चीजों के पोटेंशियल डिफरेंसेस को और इस एक्शन को लेते हुए हम लोगों ने नेम रखा है दैट इज द एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल की जो जैसे ही जो फर्स्ट इनिशियल स्ट्रेंथ थी ना, जिस अमाउंट से वो सिग्नल आया था वो ही एग्जैक्ट अमाउंट जो है उसकी थ्रू आउट द लेंथ कंटिन्यूस रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने यहां टच किया तो सिग्नल जाते जाते पहुंचा कि मुझे तो टच ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। जितना जोर से मुझे यहाँ टच किया जाएगा वो यहाँ फील होते हुए जा रहा था, सेम टू सेम मुझे यहाँ पे भी पता चलेगा कि मुझे इतने जोर से ही टच किया गया है। विच मीन्स कि हमारी जो एक्शन पोटेंशियल की इनिशियल स्ट्रेंथ है दैट इज मेंटेन थ्रू आउट इट्स लेंथ। ओके, दिस इज डन। So we will be doing this thing in the next section, or I will be continuing and adding the section to this video. But aaj ke liye and for now it is till this time, because I have to go downstairs for having my dinner. I am in the college premises and this is the first video that I am recording after so many days. So I hope that you will be liking the session, and if you are wanting sessions like this and if you are liking and watching this video by now, please don't forget to hit that subscribe button below. Do comment your reviews, your feedbacks. I will be making sure that I will be doing the best that I can give. Thank you so much. This is Sakshi. That's all for now, and we'll be catching you very soon in the next video.